परंपरा दोस्त है
जैसे एक भेड़ के दूध से दूसरी भेड़ पड़ती है, वैसे एक अज्ञानी के दूध से दूसरा अज्ञानी पड़ता है। जहां सोच विचार करके हमने देह को अपना मैं माना, वो कौन सी विद्या थी, वो कौन सी बुद्धि थी, वो कौन सा अनुभव था जिससे आपने अपने शरीर को मैं माना और शरीर के संबंधियों को मेरा माना और बाहर से छुपी हुई चीजों को अपने अपने मतलब से लोगों ने सिखाया तो मेरे बाप हो, तो बाप की संपदा बेटे को मिले, तुम मेरे बेटे हो, तो बेटा तुम्हारी सेवा करे। अपना अपना मतलब देख करके दुनिया में संबंध जोड़ा गया, ये मेरा घर, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा परिवार। तो बिना सोचे समझे संबंध जोड़े, आंख से देखते हैं, कहते हैं मैं देखने वाला हूं, आंख तेज होती है तो मैं बड़ी तेज आंख वाला हूं, आंख मंदी होती है तो मैं मंदी आंख वाला, आंख नहीं होती है तो बोलते हैं मैं अंधा। किसी न किसी तरह से आंख के साथ अपना संबंध जोड़ के तेज आंख वाले, मंद आंख वाले, अंधी आंख वाले अपने को मानते हैं। विज्ञान तो अधिकांश आंख को ही प्रमाण मानता है, वो जो मशीनों पर जो मालूम पड़ता है ना, वो भी किस पॉइंट पर मशीन गई, किस पॉइंट पर मशीन गई, कंप्यूटर भी जो बताता है वो आंख से ही दिखाई पड़ता है। आंख के सामने जो चश्मा रख दिया वही रंग मालूम पड़ने लगा। ये जो हमारा कान है वो कितना गुना शब्द सुनता है और उसमें कितनी शक्ति है सुनने की। हम लोग जो बोलते हैं और आप सुनते हैं, इससे 50 गुना, 1000 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना उनका शब्द तक सुन सकता है। उसके बाद सब शब्द सफाचक हो जाता है और मशीन उसको रिकॉर्ड करती है, वो कि आपका कान कितने गुना सुनता है। आप उस मशीन पर देखते हैं कि हमारा कान कितना गुना सुनता है। साइंस माने मशीनी प्रमाण। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, सुनाता हूँ। ये स्वाद जो आता है ना हमारी जीत पर, अभी कोई मशीन ऐसी नहीं बनी कि मशीन में कोई चीज डाली जाए और हमको उसका स्वाद आ जाए। कि देखो हमारे पास एक मशीन जीप की बनी हुई है, इसमें छोटे छोटे से छेद हैं और उनमें खट्टा जाए, नमक जाए, मीठा जाए, तत्काल मालूम पड़ जाता है खट्टा है मीठा है। इसका नतीजा क्या हुआ आपको बताते हैं कि साइंस का लोग पानी को तत्व ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तरह की गैसें आपस में मिलती हैं, पानी बन जाता है। उनके यहाँ जल तत्व नहीं है, वो मिट्टी को तत्व मानते हैं, तेज को तत्व मानते हैं, वायु को तत्व मानते हैं, परंतु साइंस का लोग जल को तत्व नहीं मानते, क्योंकि वे चीज को प्रमाण मानते नहीं और मशीन पर जो स्वाद आता है वो मालूम पड़ता नहीं।
अच्छा मशीन जब बता रहे थे कि ये खट्टा है चीज खट गई, दूध में डाल दिया तो खट गई, तो ये नमक है इससे ये चीज गल गई, तो आंख से देख के बताएंगे तो आंख कच्ची को तो स्वाद आता ही नहीं है। तो स्वाद का आश्रय भूत जो रस प्रधान तत्व है वो मशीनी औजार से कभी मालूम नहीं करता और जीभ से रस मालूम पड़ता है, आंख से रूप मालूम पड़ता है, कान से शब्द मालूम पड़ता है, त्वचा से स्पर्श मालूम पड़ता है, नाक से गंध मालूम पड़ता है। अच्छा यदि मशीन से रस और गंध मालूम भी पड़े तो आप ऐसे समझेंगे वही चीज जो हमारे जीभ पर डालने पर शक्ति मालूम पड़ती है वही मशीन में दूध को फाड़ती हुई दिख रही है, वही ऐसे समझेंगे कि हमारे जीभ पर जो खट्टी मालूम होती है ये आध्यात्मिक यंत्रों का प्रयोग और विचार छोड़ देने के कारण। तो बाबू लोग को समझते हैं कि सब मूल सही है, हम ही लोग बड़े लोग स्वाद नाम की चीज दुनिया में है कि नहीं, और है तो मशीन को आवे और आपको मालूम पड़े ये कैसे होगा, आपको मालूम पड़ता हो तब आप मशीन से देख के भी समझ सकते हैं, पर आपको न मालूम पड़ता हो तो आप कैसे मशीन से समझेंगे। तो देखो ये हुआ कि जहां हमारी नाक से गंध और गंध का आश्रय पृथ्वी, हमारी जीभ से स्वाद और स्वाद का आश्रय जल, हमारी आंख से रूप और रूप का आश्रय तेज, और हमारी त्वचा से स्पर्श और स्पर्श का आश्रय वायु, और हमारे कान से शब्द और शब्द का आश्रय आकाश। ये हमारे पांच औजारों से पांच चीज मालूम पड़ती है, वहां जो लोग केवल बाहरी औजारों की शरण लेते हैं उनको महाराज वो वही देखी हुई चीजें मशीन से, जो अपने को जिस चीज का अपने को कभी एहसास नहीं हुआ है वो मशीन से देखने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि महसूस करना मशीन का काम नहीं है, अंतःकरण का काम है, इसलिए आंख से संबंध जोड़ के हम देखने वाले बनते हैं, कान से संबंध जोड़ के सुनने वाले बनते हैं, पैसे से संबंध जोड़ करके धनी बनते हैं, रिश्ते जोड़े हुए हैं और इनके टूटते भी देर नहीं लगते। ये जितने चार चार लोग होते हैं आप जानते हैं ना, एक होता है ना अंग्रेजी में कोई कर प्रत्यय होता होगा मैं समझता हूँ, मास्टर है, मिस्टर है, मिनिस्टर है, बैरिस्टर है ना, ये कलेक्टर है ना, ये सब जितने कर कर जुड़ते हैं ये कभी न कभी अलग हो जाते हैं, वो इनका सच्चा जोड़ नहीं है अपने साथ, ये जुड़ी हुई चीज है, जुड़ी हुई जुड़ी हुई, ये छूट जाए और जोड़ा किसने है तो तुमने जोड़ा है, तो हम इसी को उपाधि बोलते हैं, जैसे बीए की उपाधि डिग्री मिलती है ना, बीए की उपाधि, और जैसे चेयरमैन की उपाधि होती है, जब तक चेयर पर बैठते हैं चेयरमैन है, और पत्नी चेयरमैन कहाँ मानती है, घर पे जाने पर दस सुनाती है इतनी देर करके क्यों आए, इतनी रात करके क्यों आए, तो ये सब बिना सोचे समझे अपने साथ पूरी जोड़ी हुई पूछ है, वो पूछ, इनके कारण मनुष्य में पशु तो आता है मनुष्य तो नहीं आता, फिर पक्षपात करेगा, जिस जो सारे विश्व की सेवा करने के लिए पैदा हुआ था वो एक भारतीय सेवा में लग जाएगा,
जो संपूर्ण मानवता की सेवा करने के लिए पैदा हुआ था वो एक परिवार, एक प्रांत, एक जाति, एक मजहब, मेरा मेरा मेरा, इसमें इस मेरा में ईश्वर भी एक मुसाफिर खाने का मुसाफिर, अगर कभी आता भी है तो मुसाफिर खाने का मुसाफिर, बस स्टैंड का यात्री, कभी आया कभी गया कभी गया कभी गया, वो भी मेरा नहीं बन पाता है। वो तो शास्त्र ने क्या किया है, वो कहता है कि तुमने बिना सोचे विचार अज्ञान से देह को मैं माना और देह के रिश्तेदारों को मेरा माना। जरा हम भरते हैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, आओ एक दूसरी चीज भरते हैं। सत्संग नहीं किया तो मारे गए, अज्ञान के अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते। माला फेरने वाले भी नहीं निकल कर सकते, होम करने वाले भी नहीं निकल सकते, कोई सत्संगने वाले भी नहीं निकल सकते। एकांत में घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों रहने वाले भी हमको ऐसे ऐसे साधु मिले हैं जिन्होंने 11 बरस तक सूर्य का दर्शन नहीं किया था। हमको ऐसे साधु मिले हैं जो 50 वर्ष से बर्फ में से नीचे नहीं आए, लेकिन सत्संग का उनको सत्संग तो मिला ही नहीं। तो शास्त्र ने क्या किया, जैसे आपका कोई खाली बर्तन हो ना तो उसमें हवा भर जाती है, अब उसमें आप पानी डालिए तो हवा निकलती जाएगी, पानी भरता जाएगा, गंगा जल भर जाएगा, उसमें दूध भर जाएगा, और जो जो आप उसमें दूध भरेंगे, गंगा जल भरेंगे, क्यों तो वो पहले से भरी हुई जो हवा है वो निकल जाएगी। देखो आपके घर में जब चूहे बिल बनाने लगते हैं, बम्बई में तो शायद न बनाते हो, पर हम लोग प्रेम कुटी में रहते थे तो रात को आके पांव में काटते थे बड़े 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 चूहे, वो वहां पर खाली पड़ा था ना मैदान, आजकल जहाँ पुलिस पुलिस रहती है, और बड़े बड़े चूहे, ऐसे चूहे हम लोगों ने अपने गाँव में कभी नहीं देखे थे बम्बई तो गांव में जब चूहे कच्ची मिट्टी खोदते घर में बिल बना लेते हैं तो उसका उपाय क्या, बिल्ली काट लो, बिल्ली जब घर में आ जाएगी तो चूहे धीरे धीरे भाग जाएंगे, और बिल्ली ज्यादा उपद्रव करे तो कुत्ते काट लो, नहीं तो लोग कहीं आंख बंद करके बैठ गए, कहाँ बैठ गए, और बच्चे को तुम्हारी समाधि लग गई, और तुम तो जानते ही नहीं हो कि समाधि किस चीज का नाम है। जिसको कोई समाधि बता देगा, बिना देखे बतावेगा, बिना समझे बतावेगा, और कह देगा तुमको भगवान मिल गए, कौन तो भगवान का वही जब आंख बंद करके तुम मन में सोच रहे थे ना वो भगवान, तो जिनको तुमने सपने में देखा था ना वो भगवान, कोई ना कोई महाराज बैठा नहीं। बिना सत्संग के ज्ञान की परिशुद्धि नहीं होती है, ज्ञान से सत्संग से ही सच्चाई का ज्ञान होता है। तो शास्त्र ने कहा कि देखो मेरा माने बिना तो तुम रह नहीं सकते, हम जानते हैं, ये सब हम लोग खोल पट्टी से रखते हैं, क्या गुरु मेरा, इष्टदेव मेरा, मंत्र मेरा, ये तुम लोग नानी के आगे नानी और बखान है, अगर तुम सोचो पैसे को ज्यादा मेरा मानते हो कि इष्टदेव को, तुम अपने रिश्तेदारों को ज्यादा मेरा मानते हो कि गुरु को, एक बिल्कुल पक्की बात आपसे पूछते हैं, है ना? आपके जीवन में जब कोई कठिनाई आती है, कठिन समस्या आती है, तो हम झूठ बोल के इस पर पार पाएंगे, बेईमानी करके इस पर पार पाएंगे, रिश्वत लेके इस पर पार पाएंगे, आपके मन में ये आता है कि धर्म से, ईमानदारी से, ईश्वर की शरण लेकर इस पर पार पाएंगे, ये आता है। आप अपने को देख लीजिए, आप परमात्मा हैं कि नहीं,
ऐसा मत समझना कि बाबा जी लोग बेवकूफ होते हैं, सब नहीं जानते हैं। बोला जानते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने हमारी कितनी कीमत है। हम भी बात जानते हैं, अपने यार के सामने इष्ट देवता की कितनी कीमत है, झूठ के सामने सत्य की कितनी कीमत है, बेईमानी के सामने ईमानदारी की कितनी कीमत है, और अपने यार के साथ जो प्रेम है उसके सामने ईश्वर के प्रेम की कितनी कीमत है। आप खुद समझिए ना, हमारे बताने की क्या जरूरत है। तो ये शास्त्र में आप जो समझते हैं कि हमारी अक्ल में जो आता है वही बिल्कुल ठीक है और कोई दूसरा सत्य नहीं है, दूसरा कोई सत्य नहीं है, ये शास्त्र जो आपका मेरा बनाता है ईश्वर को, आप ईश्वर को मेरा मानिए, उसको आप माँ समझ सकते हैं, बाप समझ सकते हैं, उसको आप दादा परदादा समझ सकते हैं, वंश परंपरा का मूल समझ सकते हैं, उसको पति समझ सकते हैं, उसको पुत्र समझ सकते हैं, उसको भाई समझ सकते हैं, उसको पत्नी समझ सकते हैं। लो, वो बेटी भी है, वो पत्नी भी है, वो माँ भी है, वो बेटा भी है, पति भी है, बाप भी है। एक ईश्वर के प्रति मेरा का भाव पैदा हो जाए, वही अपना धन है, वही अपना मकान है, वही अपनी विद्या है, वही अपना वैभव है। रोज हाथ जोड़ के बोलते बने, तुम्हें माता चिता तुम्हें ईश्वर को हंसी आती होगी कि नहीं, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, आप ही मेरे धन है महाराज, और तिजोरी में क्या है, बैंक में क्या है। तो हम लोगों के मन में जो फूल पत्ती है वो ईश्वर से छिपी नहीं है। हमारे सामने छुट भैयों का मत ला करके रखते हैं, गौतम का खंडन हम करते हैं, कणाद का खंडन हम करते हैं, कपिल पतंजलि का खंडन हम करते हैं, जैमिनी बोधायन का खंडन हम करते हैं। हमको आजकल के जो है ना, कुछ ये लोग हैं इनके विचार का निषेध करने में, खंडन करने में कोई शर्म आती है, कुछ उनको क्या करते हैं, ये अपने व्यक्तित्व का बड़प्पन दिखाते हैं, हम बड़े भारी विचारवान हैं, बड़े भारी विचारवान। देखो, संबंध के कारण हम अपने को बाप मानते हैं, अपने को बेटा मानते हैं, हम बाप हैं कि बेटे हैं, बोले भाई दोनों है, दोनों नहीं एक बनो, और दोनों बनो, अपने से गरीब के सामने वो छाती खुला के चलते हैं, हमारे सामने तुम क्या होते हैं, और अपने से जब धनी आता है सामने तो वो पूछ लाते हैं, हमने बड़े बड़े धनियों को देखा, तुम धनी हो कि गरीब हो बताओ है? आज हमने सपना देखा, एक मिनिस्टर से लेते हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर, मैंने कहा भाई हमारे प्रदेश में तो भूतपूर्व मिनिस्ट्री में सबसे धनी आदमी तुम ही थे, बोले आपकी कृपा है महाराज, पर वो सपा हमको ना, मैंने क्या कह के उनको पुकारा वो भी हमको याद है, ऐसी शकल सूरत उनकी वो सब याद है। तो नारायण ये हम अपने को जो आने जाने वाली चीजों से जोड़ लेते हैं ना, बाल की सुंदरता से सुंदर बने, साड़ी की सुंदरता से सुंदर बने, दांत की सुंदरता से सुंदर बने, न बाल रहे न साड़ी रही न दांत रहा, ये तो तुमने एक आने जाने वाली चीज को, इसको माया, इसी को माया बोलते हैं, हो साधु आवे जाए तो माया, आंख की वजह से आप देखने वाले बन गए, कान की वजह से सुनने वाले बन गए, ये सब संबंध कल्पित हैं। जब आप बाप के पेट में थे तब कहाँ था कान, कहाँ थी आंख, कहाँ था नाक, है ना, और जब गेहूं में थे तब कहाँ था। देखो, जो अपने को खड़ा मानेगा वो बनेगा,
कुआं में तपेगा, उसमें शराब या पानी भरा जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, वो फूल जाएगा, मर जाएगा, और जो मिट्टी के रूप में रहेगा वो देखो बनेगा कि बिगड़ेगा कि टूटेगा, क्या होगा? सारी विपदाओं से बचने का मार्ग ये है, अपने को सकल सूरत वाले के रूप में नहीं, अपने को तत्व के रूप में जानना और पहचानना। तो अध्यारोप की बात आपको सुनाते हैं। आपने बिना सोचे समझे अपने को मान लिया देह, प्रियम काम रोग से अधिक, इस देह से जो तुम्हारा प्यार है ये तुमको एक दिन रुलाएगा। चाहे अपने देह से प्रेम हो, चाहे दूसरे के देह से प्रेम हो, प्रियम स्वा रोग से अधिक, जब तक जियोगे तब तक वो प्रेम तुमको बांध के रखेगा कैद में। और जब वो छूट जाएगा तो उसकी याद कर करके वो रोग क्षति का दोनों अर्थ होता है। रोग क्षति माने रोध करता है, और रोग क्षति माने रोदन देता है, रुलाता है। रुद और रुद दोनों धातु से रोग क्षति बनता है। वो तुमको बांधेगा और वो तुमको रुलाएगा। ये दुनिया के प्यार का भाग्य है, ये सौभाग्य है, ये तुमको भोगना ही पड़ेगा। या तो बंध के रहना पड़ेगा, और यदि वो छूट गया तो रो के रहना, रो रो के रहना पड़ेगा। तो महात्मा लोग शास्त्र ये कहते हैं, ये आपकी जो बिना सोचे समझे मान्यताएं हैं इन पर आप पुनर्विचार कीजिए। बोला आप देह नहीं हैं, आप जीव हैं। लो एक समस्या कटे, आप जीव हैं तो इस शरीर के मरने से आप मरते नहीं है? और इसके संबंधियों के मरने से भी आप मरते नहीं। मरने का डर तो उसी समय कट जाएगा जब आप अपने को देह के रूप में नहीं जीव के रूप में पहचानेंगे। आपने अपने मैं को देह में पूछ दिया है बिना सोचे विचारे। आप जरा हमारी बात भी मान लीजिए, शास्त्र की बात भी मान लीजिए, हम आपके मन में ये जीव ठूसते हैं, ये भी अध्यारोप ही है। परंतु जैसे पानी डालने से घड़े की हवा निकल जाती है, वैसे जीव बना डाल देने से देह में जो मैं बना है वो निकल जाता है। आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तब तो बेकार है। जो स्वयं समझने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए ये रास्ता है। अब जीव यदि अणु है, जैसा कि जैन मानते हैं, जैसा कि कुछ नैयायिक मानते हैं, अणु माने नन्हा सा, तब भी वो देह के मरने से मरता नहीं है। और यदि वो विभु है, केवल देह के माने हुए संबंध से देह में बंध गया है, विभु है माने सर्वत्र सब जगह भरपूर है, व्यापक है, तब तो यदि ये इतना मान लो कि वो अणु और नित्य है, छोटा और नित्य है, तो देह के मरने से मरता नहीं, देह के पैदा होने से पैदा होता नहीं, ये उसकी मान्यता है कि वो अपने को पैदा होने वाला और मरने वाला मानता है। और यदि शास्त्र ने, महात्मा ने ये समझा दिया कि तुम्हारी आंख छोटी है सही, कान छोटा है सही, देह छोटा है सही, दिल दिमाग छोटा है सही, परंतु तुम तो विभु हो, व्यापक हो, आकाश से भी बड़े हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से भी बड़े हो, वैसा जाने पर, मानने जानने पर तुम्हारा आना जाना कट जाएगा। नित्य का जन्म मरण नहीं होता और व्यापक का आना जाना नहीं होता, और संबंधहीन के मन में राग द्वेष नहीं होता। शास्त्र का कहना है कि तुमने अपने मेरा का पेट भरा है दुनिया से, मरने वाली चीज से,
बिछुड़ने वाली चीज है, बेवफा चीज। जिस पर विश्वास करते हो तुम, वो कब तक विश्वास पात्र बना रहेगा? कुछ चीज शास्त्र में लिखा है कि संसार के जितने प्रेमी हैं, अगर उनकी धर्म संबंधी जो मान्यता है, आचार संबंधी जो मान्यता है, उसका उल्लंघन कर दिया जाए तो 5 मिनट में ही उनका सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट नंगे होकर कोई गाली देने लगे, करे तो सिर्फ नंगा हो जाए और गाली बकना शुरू कर दे, बड़े बड़े श्रद्धालु हाथ जोड़ के चले जाएंगे, अरे तो पागल है। तो ये नहीं देखेंगे कि ये बड़ा महात्मा हो गया, ये देखेंगे कि पागल हो गया। ये है संसार की मान्यता। भला 1 मिनट में गुरु जी गोरु जी हो जाते हैं, गोरु जी मारवाड़ी में गोरु जी बोलते हैं, गोरु गरु जी गरु गोरु जी गरु माने पशु, गोरु माने पशु, बैल हो जाता है। एक हमारी मान्यताओं का कोई रूप है तो आप अपने मेरे का पेट ईश्वर से भर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सीधा प्रश्न है। यदि आपका मेरा ईश्वर है तो उससे आप बाप का सुख भी लीजिए, माँ का सुख भी लीजिए, पति का भी लीजिए, पत्नी का भी लीजिए, दोस्त का भी लीजिए, धन का लीजिए, दूसरे की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे जो जरूरत पूरी होती है, सर्व काम आज आपसे, लोगों से, सबसे, सारी दुनिया से जितनी जरूरत पूरी होती है वो सब जरूरत अकेले ईश्वर से पूरी हो जाएगी। आप उसको मेरा मानकर अपने हृदय में बैठाइए, माँ बन के उसको दूध पिलाइए, पत्नी बन के उसको प्यार कीजिए, पुत्र बनकर उसके पांव छूइए, सखा बनाकर उसके कंधे पर हाथ रखिए, आप शरीर में से हटकर अंतर में प्रवेश कर रहे हैं। अंतर में दुनिया का जो मेरा पना है वो बाहर होता है और ईश्वर का जो मेरा पना है वो अंतर होता है। आप अपने को नित्य अणु के रूप में जानेंगे तो मरने जीने का कोई डर नहीं है, और नित्य विभु के रूप में जानेंगे जैसा कि योग और सांख्य मानते हैं तो आपको आने जाने का डर नहीं है। और आप यदि अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन के रूप में जान लेंगे सीतारा, तो ये आकृतियां आपकी बदलेंगी नहीं, आप अपने को ब्रह्म रूप से जान लेंगे। घड़ा तभी तक बनता फूटता है जब तक घड़ा है, जब वो माटी है तब न उसमें बनना है न फूटना है। इंद्रो माया विरभवत बहुरूप, ये आत्मा की बहुरूपता कहते हैं। दुनिया सच्ची है, दुनिया मेरी है और ये शरीर मैं हूं। ये 3 भ्रांतियों के कारण आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा अनेक रूप हो गए हैं, बाप हो गए हैं, बेटे हो गए हैं, धनी हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, अपने हो गए हैं, पराये हो गए हैं। आप तो आंख बंद करके मन से उड़ान भरते हैं, ईश्वर को बनाते बिगाड़ते हैं, आपको ये तो मालूम ही नहीं है कि ये सब क्या है जगत जाल। अच्छा अब देखो, जैसे इधर से हम बहुत बनते हैं वैसे परमात्मा उधर से बहुत बनता है, उसकी कल्पना करें। हम ही करते हैं वो बात दूसरी। तो जीव अविद्या के कारण अपने को मैं और दुनिया की चीजों को मेरा है और दुनिया को सच्ची मानता है, कार्य के कारण, ये मशीनों में फंस जाने के कारण हो, ये मशीनी हो जहाज में जंत्रारूढ़ाने में आएगा, इस यंत्र पर हम बैठ गए मशीन पर,
अपन को आप नहीं दूसरे सूरदास नलनी को सुभता को कौने जगरे हो। पांच छह बरस हुआ मैं इलाहाबाद गया तो किसी नाव से गया त्रिवेणी में स्नान करने। हमारा जो पुराना मल्लाह था महाराज तो उस समय काले बाल वाला सफेद बाल वाला उसने देख लिया दूर से पहचान लिया और अपनी नाव तो उसने छोड़ी और दौड़ के उछल के मेरी नाव पर आ गया और उसने वो नचाया। उसकी नाव तो खिड़की की तरह वो धारा तक नाचती थी और नाव झांझर खेले झांझर जिसको झांझर बोलते हैं उधर नाव के झांझर खिलाते हैं वो बिल्कुल खिड़की की तरह चरखी की तरह नाव धारा तक बिल्कुल चार और घूमे। स्वामी जी बहुत इंतजार कर रहे बहुत इंतजार 20 बरस। तो ये जो मशीन है ना अब उस समय ऐसा लगे डर लगे कहीं नाव डूब न जाए कहीं गिर न जाए ऐसा लगे जैसे पानी के ऊपर उठ रही है। और ये नाव है यंत्रारूढ़ माया की चरखी चल रही है जिस पर बैठ गए हैं चिपकते जा रहे हैं चिपकते जा रहे हैं चिपक गए। अरे भाई पकड़े रहो नहीं तो छूट जाए। अब कितना भी चिपको ये छूटे बिना तो रहेंगे। ये इसका होनी यही है होनी यही है आज मानो चाहे मत मानो होनी यही है। तब देखो मैं हम अज्ञान से मानते हैं और परमात्मा विश्व को मैं माया से मानता है इंद्रो महाराज। तो अविद्या और माया में क्या फर्क होता है। जादू का तमाशा देखने वाला बच्चा अज्ञान के कारण जादू में दिखने वाली चीजों को सच्ची मानता है लेकिन जादूगर जानता है कि हम जादू के खेल में क्या दिखा रहे हैं। तो माया वो होती है जो माया करने वाले को मोहित नहीं करती जिसमें रहती है माया उसको मोहित नहीं करती दूसरे को मोहित करती। और अज्ञान वो होता है कि जिसमें रहता है उसी को मोहित कर लेता है दूसरा चाहे मोहित हो चाहे ना हो। अविद्या स्वास्थ्य व्यामोहिका होती है और माया जो है वो स्वास्थ्य व्यामोहिका नहीं होती। तो ईश्वर में अविद्या नहीं है अविद्या नहीं है इसलिए मोह नहीं है मोह नहीं है तो अहंकार नहीं है अहंकार नहीं है तो ममत्व नहीं है और ममत्व नहीं है तो ईश्वर को कोई दुख नहीं। दुख तो जितना है दुनिया में ये मैं मेरा बनाया हुआ ईश्वर ने दुख की सृष्टि नहीं की है। ईश्वर के पवित्र आनंदमय हाथों से दुख बनता ही नहीं। आनंदात देव कल्पमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिदम विदन्ति चैतन्य। आनंद से सृष्टि बनी आनंद में रह रही है आनंद में डूबती उतराती है आनंद में समा जाती है। ये मैं मेरा जो है ना मरना दुख नहीं है मेरे का मरना दुख है अपमान दुख नहीं है मैं का अपमान दुख है। जिसमें मैं नहीं है उसके लिए अपमान दुख नहीं है जिसके लिए मेरा नहीं है उसको बिछुड़ने का दुख नहीं है। जो अंधा नहीं है उसको बेवफाई का दुख नहीं है। करे कोई विश्वासघात क्या करेगा। तो गायत्री देवी प्रकट हुई हो विद्यारायण स्वामी के सामने ये अनुभूति प्रकाश के जो लेखक हैं उनके सामने सन्यासी होने के बाद विद्यारायण स्वामी ने हाथ जोड़ा देवी मैंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए और आपने दर्शन नहीं दिए मैं आपसे कुछ चाहता था। अब मैं सन्यासी हो गया तो मेरे सामने क्यों आए। बोले अब जो तुम चाहो सो देने को तैयार। बोले कि अब जो तुम दे सकती हो वो हमको नहीं चाहिए जो तुम दे सकती हो वो हमको चाहिए ही नहीं हमको दी हुई चीज नहीं चाहिए।
जहाँ इतने दीन है, हीन है, पराधीन है, दूसरे किसी हुई चीज देंगे, अरे हमने तो शुद्ध बुद्ध स्वयं परमानंद स्वरूप, तो हमको क्या दे, ये बात है। नारायण तो ये मैं का अपमान होता है, सम्मान होता है, मेरा छूटता है, टूटता है, बिछुड़ता है, जुड़ता है, मेरा दुनिया दिमाग में चढ़ बैठती है। जब आप सत्संग करेंगे अपने को जीव समझिए, बाबा देह मत समझिए, देह जीव जीव समझिए, और संत कहता है तुम जीवात्मा हो, शास्त्र कहता है तुम जीवात्मा हो, अध्यारोप किया है, आप अपने को जीवात्मा समझो, मर जाने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सपना टूटेगा और दूसरा सपना आएगा, सपना ही टूटेगा, मरना नहीं होगा, आप अपने को व्यापक के रूप में जान लीजिए, आपको नरक स्वर्ग कहीं जाना ना आना, आप अपने को शुद्ध ब्रह्म के रूप में जान लीजिए, आपके लिए न दुनिया है, न मेरा है, न मैं है, ये सारा जगतवाल सारा दुख, योगी भी संसार में दुख नहीं मानता है, वो कहता है अविवेक के कारण दुख है, अविद्या के कारण दुख है, इस दुनिया में जो हमेशा से होता आया है वही होता रहता है, मरने वाले मरते हैं, पैदा होने वाले मरते हैं, पैदा होते हैं, बिछोड़ने वाले बिछोड़ते हैं, धनी गरीब हो जाता है, गरीब धनी हो जाता है, जो पहाड़ पर चढ़ा है वो नीचे गिर जाता है, जो नीचे गिरा है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, दुनिया में हमेशा से ये उलट फेर होती आई, होता ही आया है, इसमें इसमें आश्चर्य क्या है, इसमें दुख तो ममता का है, ममता का उसी का है। तो प्रकृति में न सुख है न दुख है, अज्ञान के कारण हमने सुख दुख का भेद बनाया हुआ है, ये शांत बोलता है, ये योग बोलता है, शांत का कहना है राजो कहते हो, कहीं राग द्वेष संसार में मत होने दो और व्यवहार करो, खूब खूब व्यवहार करो, परंतु संसार में कहीं राग द्वेष ना हो, है ना, ईश्वर ने सृष्टि तो बनाई है परंतु उसमें दुख हमने बनाया है, हमारी भूल का दुख जीव सृष्टि है, दुख जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि नहीं है, और जो लोग पंचदशी पढ़ते हैं उनको भी ये बात मालूम है, ये धरती बनाई ईश्वर ने, पानी बनाया ईश्वर ने, स्त्री पुरुष बनाया ईश्वर ने, और मैं मेरा बनाया मैं, और मैं मेरा बना के दुखी हो गया, ईश्वर की सृष्टि में दुख नहीं है, प्रकृति की सृष्टि में दुख नहीं है, सिर्फ बेवकूफी की सृष्टि में दुख है, अज्ञान की सृष्टि में, अरे यही तो वेदांत बोलता है, मान मान बंधन में आया।